हेलो गाइस, दिस इज़ सुदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग टेक विनर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करूंगा कि सीतारमण ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला है बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो गाइस, यहां पे हम दिखा दें तो जो हमारे सर लोग हैं, जैसे कि पुष्पेंद सर और पंकज सर, तो और बहुत सारे लोग, हमारे संदीप भाई जो बड़े बड़े क्रिप्टो इंडस्ट्री से लोग हैं, तो वो लोग बिटकॉइन के बारे में, यही सब चल रहा है, जो जो न्यूज़ है अभी के टाइम पे, जो ट्रेंड चल रहा है यही चल रहा है। तो गाइस, यहाँ पे जो एक चीज़ पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जो न्यूज़ आई है वो पॉजिटिव आई है, ठीक है। यानी इसके पहले जब 2017 में न्यूज़ आती थी तो वहाँ पे गाइस इतना अटेंशन नहीं मिला था। अगर जो हम 2017 की बात करें, ठीक है, तो 2017 की बात करें, अगर जो हम यहाँ पे उसका ट्रेंड देखें, उस टाइम का ट्रेंड जो था वो इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था कि बिटकॉइन और जो उसका पंप था गाइस, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। और उसके बाद जो प्राइस यहाँ पे गिरा था, अगर जो हम चार्ट की बात करें, यहाँ पे मैं अपना चार्ट लेता हूँ, बिटकॉइन का चार्ट देखें, अगर जो 2017 के बाद जो प्राइस गिरा था वो गाइस, प्राइस यहाँ पे गिरा था, यहाँ पे आसपास था 18,000-19,000 से लेके सीधा जो प्राइस गिरा था वो गिरा था हमारा 3,000 या 4,000 पे। तो यानी उस पर पूरा फॉल आ गया। और यहाँ पे जब इतना प्राइस पंप हुआ है तो सब लोगों के एक दिमाग में एक हिस्ट्री ज़रूर याद आ रही होगी कि 2017 जैसा फॉल फिर यहाँ देखने को मिले, अगर जिस हिसाब से फॉल है कहीं बिटकॉइन यहाँ पर ना हो जाए। तो गाइस, अगर जो यहाँ पे होता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी ओवरऑल 70% या 60% या 70% पोर्टफोलियो आपका डाउन हो सकता है। पर यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि ये जो 2017 का जो पंप था गाइस, वो पंप इस पंप के अकॉर्डिंग बहुत वैसा पंप था, यानी उतना वैसा पंप नहीं था। तो यहाँ पे जो ये पंप है गाइस, इन पंप का सबसे बड़ा रीज़न है, जैसे टेस्ला जैसी कंपनी गाइस, टेस्ला और माइक्रो स्ट्रेटजी, इन लोगों ने इतना कॉइन्स ये सब बाई किया, ठीक है, तभी जाके ये इतना पंप हुआ। और हम बात करें इनकी बाइंग की, जो बाइंग है वो $24,000 से लेके $30,000-40,000 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर जो ये इतनी बड़ी कंपनी है तो यहाँ पर गाइस, ये अगर जो इतनी जल्दी सेल करने वाले नहीं टेस्ला जैसी कंपनी गाइस, कम से कम 10 ईयर का मान सकते हैं, इतना ज़्यादा लंबा ये सोच इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 10-20% या 2x ऐसा इतना प्रॉफिट नहीं लेने वाले, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये सब मेरा ओपिनियन है, ठीक है, आप लोग अपना रिसर्च कर लेना। और यहाँ पे हम बात करें जो हमारे न्यूज़ हैं, जो सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, इसके पहले जो न्यूज़ आती थी वो जो अभी हमारे एडी भाई जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने उसमें क्या अपना इंटरव्यू दिया था सब, और उस पर क्रिप्टो पे चर्चा हुई थी। और यहाँ पे अनुराग जी ने जो संसद में हुआ और यहाँ सब कुछ हुआ, और फिर सीतारमन CNBC न्यूज़ पे, तो उन्होंने कहा कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं बहुत सारे निगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, यानी जैसे टेस्ला जैसे लोग इनको मतलब ध्यान में लेते हुए इन्होंने ये बात कही कि बहुत सारे न्यूज़ आ रही हैं, पर हम इसको मतलब ये करेंसी है, ये डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है इसको हम ध्यान में रखते हुए सब कुछ ना कुछ करेंगे। तो गाइज़ ये चीज़ें गाइस कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव आ रही हैं 2017 की अपेक्षा, और मे बी गाइस यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होता है। तो और गाइस यहाँ पे हम अगर जो हम निगेटिव की बात करें, तो यहाँ पे गाइस अगर जो आप सोचते हैं कि इंडिया में अगर जो बिटकॉइन डाउन होता है, तो गाइस ये अगर जो बिटकॉइन इंडिया में डाउन होता है तो गाइस ये मत समझ जाना कि यहाँ पे 2017 में बैन हुआ तो उसके रीजन से ये बिटकॉइन इतना आ गया, और जो यहाँ पे इंडिया में बिटकॉइन बैन होता है तो इसके रीजन से बिटकॉइन यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने बताया ना, ये जो बाइंग है, ये जो पुश पंप है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों का है। और यहाँ पे हम बात करें जितना फॉरेन विदेशों का इन्वेस्ट है, तो उससे ज़्यादा उतना इन्वेस्ट इंटरनली इनका भी हो सकता है, पर इतनी बड़ी कंपनियों का इन्वेस्ट यहाँ पर, इतना ज़्यादा करेक्शन आपको थोड़ा बहुत करेक्शन मिल सकता है देखने के लिए,
पर इतना ज़्यादा आपको करेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। और गाइज़ हम बात करें इस मंथ की, तो गाइज़ यहाँ पे अगर जो हम पिछले चार्ट के अनुसार देखें तो जो हमारा ये मंथ है, तो गाइज़ यहाँ पे मार्च के मंथ में तो बिटकॉइन थोड़ा हमें मतलब डाउन दिखने को मिलता है, तो मे भी हो सकता है आपको थोड़ा यहाँ पे फॉल नज़र आए। और जैसा देख सकते हैं ये दोनों कैंडल हैं वैसी कैंडल बन रही हैं, तो यहाँ पे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा आप अलर्ट रहिए, आप पोर्टफोलियो डाउन ना कर दें। तो इसकी सजेशन के लिए मैं आपको बता दूं, आप जो लॉन्ग टर्म आप 1 मंथ के लिए कॉल या 2 मंथ के लिए कॉल सोच के चल रहे हैं, तो वो आप कॉल मेरे हिसाब से अवॉइड कीजिए। और जो न्यू कॉल्स हैं यानी मिड टर्म शॉर्ट टर्म के लिए विद इन अ वीक और डे के लिए, तो आप उनमें इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप उन कॉइन्स में इन्वेस्ट करिए, सबसे मेरे बेस्ट बेटर ऑप्शन है जो कॉइन्स अभी या बाइनेंस पे लिस्ट ना हुए हों और उनकी जो न्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, उन पे इन्वेस्ट करिए। और यहाँ पे अगर जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अगर जो ये पॉजिटिव न्यूज़ जैसे सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब न्यूज़ आप देख के एक चीज़ की बाइंग कर सकते हैं, वो हो बाइंग मैं बताऊंगा कि वो बाइंग आप कर सकते हैं क्या, वज़ीर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ वज़ीर एक्स की बाइंग कर सकते हैं, वज़ीर WRX कॉइन है जो वज़ीर एक्स एक्सचेंज का है, आप उसकी बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आता है, अगर जो क्रिप्टो कुछ रेगुलेट होता है, तो यहाँ पे जो वज़ीर एक्स का जो कॉइन है वो गाइस वो काफ़ी आपको उसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। और बात करूँ यहाँ पे गाइस जो बिल आना है वो मार्च ही या इसी महीने में आना है, ठीक है। अगर जो इस महीने में आता है पॉजिटिव आता है तो हमारे लिए और अच्छी बात है, अगर जो यहाँ पे कुछ नहीं चर्चा होती है तो गाइस ये वेयर फिल पड़ा रहेगा साल भर के लिए और फिर इसी पे ऐसे चलता रहेगा और तब तक हमारी जो ट्रेडिंग है वो भी चलती रहेगी। और बात करूँ अगर जो यहाँ पे क्रिप्टो बैन भी होता है, तो यहाँ पे गाइस बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स बन चुके हैं, तब भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो रूल पे डिपेंड होता है कि गवर्नमेंट क्या रूल लाती है, लेकिन अगर जो हम बात करें अगर यहाँ पे बैन लाती है तो गाइस यहाँ पे इनको आपको इनको पूरा इंटरनेट ही डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वॉलेट्स हैं कि लोग इलीगली ट्रेड करेंगे। तो गाइज़ ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए देखें क्या रेगुलेशन लाते हैं लोग। तो गाइज़ अगर जो आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी कि बिटकॉइन में अगर जो बिटकॉइन बैन हो जाता है तो उसे कैसे ट्रेड करें, तो उसको वो जो एप्लीकेशंस हैं वो मैं उन वीडियो का लिंक है उसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना जाके, और उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था छोटा सा वीडियो और उम्मीद है कुछ मिस हुआ होगा तो माफ़ी चाहता हूँ। और टेलीग्राम में जो टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, कुछ मिस होता है तो वहाँ पे मैं अपडेट दे देता हूँ। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।